Bye bye. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दिलीप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और बहुत दिनों बाद आपका स्वागत करता हूं अपने नए ब्लॉग के अंदर में। अब एक्सक्यूज़ क्या लगाऊं कि मैं इतने दिन से गायब क्यों था। तो इतने दिन से गायब इसलिए थे एज यूजुअल, जो काम कोई ना कोई आ जाता है और वो शायद काम ब्लॉग से ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, तो ब्लॉग नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, दोबारा आ गए हम और मैं फिर कोशिश करूँगा कि जैसे मैं कंसिस्टेंट था वीकली, मैं फिर आपके साथ दोबारा से वैसे ही जुड़ा रहूँ। तो जो आज हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, आज हम किसी जगह पर घूमने नहीं जा रहे, आज का ब्लॉग उन लोगों के लिए है जो लोग कला के अंदर में अपना रुचि रखते हैं। तो आज हम जा रहे हैं जवाहर कला केंद्र जयपुर, और वहाँ पर आज एक हमारे मित्र है स्वप्निल, उनकी सोलो एक प्रदर्शनी लगी उनकी पेंटिंग्स की, तो एक बार वो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ऑल दो मेरी भी एक पहली विजिट है एक मतलब कंप्लीट कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन की, तो मैं भी देखूंगा कि किस तरीके से होती है और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी आप मेरे साथ बने रहिए, अभी हम आपसे मिलते हैं जवाहर कला केंद्र के अंदर में। तो जिसके बारे में बात कर रहा था वो एग्जीबिशन ये है, शेप्स ऑफ लाइफ स्वप्निल टाक सोलो एग्जीबिशन। तो अभी चलेंगे जरा अंदर देखेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक करना है इस दोस्त को कि इसकी एग्जीबिशन अच्छी निकले। भैया शेप ऑफ लाइफ किधर कही, शेप ऑफ लाइफ किस तरह स्टेट जाके एकदम हेड से तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं शेप ऑफ लाइफ में। तो मैं जैसे आपको पहले बोल चुका हूं कि आज हम एक आर्ट गैलरी मतलब आर्ट एक एग्जीबिशन देखने आने वाले थे। दैट एग्जीबिशन इज द सोलो एग्जीबिशन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर स्वप्निल टाक। नमस्ते स्वप्निल जी। हाय भैया। तो आज हम स्वप्निल जी की ये एक एग्जीबिशन दिखाने वाले हैं, एंड होपफुली मेरे को लगता है कि जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं अ काइंड ऑफ नेचर में और फोटोग्राफी में एज वेल एज एक ड्राइंग स्केचिस के अंदर में, तो दे विल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, क्योंकि ना कई बार फोटो बहुत कुछ कहती हैं और लोगों को समझ नहीं आता। कई बार मेरे को भी नहीं आता था, लेकिन जब से मैं आया हूँ कला में तब से मेरे को भी समझ में आने लग गया। तो हम शुरू करेंगे स्वप्निल जी की पहली पिक्चर से, इधर से, सो इंट्रोडक्शन से, बिकॉज जिसको हम बोलते हैं ना शेप ऑफ लाइफ,
तो ये मेरे को इन्होंने पहले भी दिखाई थी, एंड दिस वन ओनली शेप ऑफ लाइफ। तो आप मेरे को बताएंगे जरा ये शेप ऑफ लाइफ क्यों है? इस पे जो मेरा फील है, मैं एनिमेटर हूँ तो डिजिटल मेरे को पसंद है, मैं डिजिटल लाइफ ही करता हूँ, सारा उसी में रहता है। तो इसके अंदर मेरा जो फील रहा है वो ये है कि नेचर से जुड़ाव। तो नेचर से जुड़ाव का ये है कि सिटी से लेके, मतलब सॉरी गांव से लेके, गांव इंडियन ही है बट पहाड़ी वाला गांव है, तो पहाड़ी गांव वो बेटर है। वहां से अपना डेवलपमेंट हुआ, वेन आप थोड़ा डेवलप हुए, डॉग इसलिए रहा है कि सडन यदि धीरे धीरे रहे डेवलपमेंट होता था तो दिक्कत आता, नेचर यहाँ तक बैलेंस है, बट थोड़ा सा एक गैप हुआ, फिर उसके बाद आप सिटी में एंटर हुए तो बिल्कुल लाइट में या लास्ट में एक आपको हल्के से कुछ ट्री दिखेंगे, देन उसके बाद आप एक सुकून जो है इंसान को नहीं मिल रहा सिटी में भाग दौड़ में एंड समथिंग, तो वहां पे एक जाके डाउन हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको अलोननेस या थोड़ा सा फील होता है। तो एक उसमें ये है, नीचे ये है, ऊपर आप देखेंगे बर्ड ऊपर की तरफ जा रही है, यानी उड़ रही है, नीचे जो नेचर है जो झरना है उसकी तरफ आ रही है, यानी नेचर अट्रैक्ट करती है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं आपको नेचर से दूर करता है, तो वो एक फील लिया था। तो अगर मैं होलिस्टिक वे में बोलूं, ये पूरी एक पिक्चर कहती है क्या खोया और क्या पाया, क्या पाया? ठीक है। एंड दूसरा ये कि नेचर वर्सेस प्रोग्रेस, व्हाट वी थिंक दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग, बिल्कुल वेयर यू विल इंक्रीज एंड देयर यू विल लूज। सो लूज। इट इज अप टू अस कि हम क्या मेंटेन करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा बनाया आपने, थैंक थैंक यू, यू एंड भैया, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। बिल्कुल ठीक क्यों ना कर लूंगा। इस वाली पिक्चर के बारे में क्या कहेंगे? और ये जो पेंटिंग है इसका आपने कुछ नाम रखा है क्या? हाँ, इसको फ्रीडम मैं कहता हूँ, और ये प्रॉपरली मैंने फॉर अ फीमेल बनाया है, क्योंकि यदि और नेचर दोनों साथ में, अच्छा यदि आपने नेचर को ब्लॉक किया बांधा तो एक छोटी सी वो आयाम में दिखता है, और जब उसको फ्री करेंगे तो उसका एक वाइड एंगल फील होता है, बहुत प्यारा सा फील आता है। सेम यदि आप महिलाओं को रोकेंगे तो वो अपने उसको यहाँ से दृष्टिकोण से एक बंधे हुए रहती है, और उनको फ्री करते हैं तो झूले में एक झूलती हुई बिल्कुल आजाद सी, और पक्षी और वो उसको रिलेट करते हुए मैंने उसको वेरी दिखाया नाइस, है। वेरी नाइस। सो एक के बाद एक बहुत बढ़िया वाला आ रहा है, एंड जो मैं अभी तक की दो लेख के समझ पाया हूँ, समवॉट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द नेचर, नेचर नेचर। तो सही बात है, कलाकार से ज्यादा नेचर कौन जान सकता है। तो इस वाले के बारे में कुछ बताएंगे मेरे को? इसमें यह है कि नेचर, आप जितना नेचर तो है, इसमें यह है कि आप मैं इसमें खुद को फील कर, खुद को फील नहीं या इंसान को फील करना चाहिए कि जितना आप ऊपर है उतना नीचे होना जरूरी है, यदि नहीं हुए तो आप एक दायरे में बंधे रहोगे या फिर टूट जाओगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक वो है इसलिए, और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता तो फिर ये वाली वर्ड भी नीचे आती, बट हाँ काइंड ऑफ वो प्रॉपर मेरा ये है कि आप जितना ऊपर है उतना नीचे रहना जरूरी जमीन से है, जमीन जुड़े से जुड़े रहना जुड़ा, जमीन जरूरी से है, वो जुड़े जरूरी रहते हैं। जुड़ा हुआ एक जरूरी है। तो आपकी इसमें आपकी जितनी पेंटिंग से तीन चीज कॉमन है, जी ट्रायंगल, ट्रायंगल, बर्ड्स बर्ड्स, एंड द ट्रीज। ट्रीज तो मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं लाइफ से कहीं जुड़ी हुई जुड़ी हैं हुई है। आपके साथ में। बताएंगे मेरे को जरा इसके बारे में थोड़ा? इसमें थोड़ा सा हल्का सा हर में मेरा पॉजिटिव वे रहता है, इसमें भी पॉजिटिव है थोड़ा, थोड़ी सैडनेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ट्री है वो खिले हुए नहीं है, मतलब पत्ते हो सकते हैं उसमें बट वो नहीं है, बट इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा आप शेडो देखेंगे ब्लैक, और उसके ऊपर व्हाइट है, व्हाइट इसलिए कि यदि मान लीजिए मेरे को ठीक होना है तो मैं धीरे धीरे ही सैडनेस से बाहर आऊंगा, इसलिए इसको ब्लैक के ऊपर व्हाइट रखा है, और इस ट्राइंगल के ये अंदर नहीं है उसके ऊपर है, मेरी उस डार्कनेस में या थोड़ा सा अप डाउन डाउन पीरियड में मैं निकलना चाह रहा हूँ, पर तुरंत ही निकल सकता है, इसलिए उसको मैंने ट्री को पूरा हरा भरा नहीं किया। और बर्ड्स एक फील फ्री कराती है, उड़ने के लिए वो देती है, इस वजह से वो वेट कर रही है कि आप जैसे बाहर आए हम उड़ेंगे, तो काइंड ऑफ वो फील। थैंक यू, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। या एंड अगेन द नेचर इज इसमें देयर, नेचर इज देयर, और यस द इसमें बस लास्ट वन, नेचर का एक फील है, उसको फील लेना है कि उसको आप बांध नहीं यहां से सकते शुरू होती है ये, बाकी सब आपकी कंसंट्रेटेड है सेंटर में, सेंटर में, बट दिस इज द ओनली दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द साइड आल्सो, साइड वेज आल्सो। ऑसम, बैलेंस के लिए एक, और नेचर को संभालना एक जरूरी है, इस वजह से वो साइड से लिया, और इसमें नेचर को फील कर रहा हूँ, जड़ है और उसको आप बांध नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं रिवर्स करेगा, इसमें वो फील है। इसके अंदर ये कोविड के पीरियड में बनाया था, मतलब कोविड नाम नहीं लेंगे, मतलब एक डार्क पीरियड में बनाया था, सबके साथ था, फैमिली एज पे है, जाना चाहती पर जा नहीं सकती, तो
तो एक फैमिली टाइम के लिए भी है कि आप यदि उससे बाहर भी आ गए तो भी लाइफ इतनी फास्ट है तो आप नेचर के पास भी नहीं जा पाते हैं, एंड देन आप चाहते हो तो भी नहीं, तो आप जस्ट गो आउट, फील करें नेचर को, फील करें तो खुद के लिए और फैमिली टाइम निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें समवेयर मेरे को लगता है ये क्या है, मून है ना, मेरे को वो टेक्सचर वही आ रहा है। बिल्कुल मून, मून का है, एंड द बर्ड्स इज गोइंग आउट ऑफ द सम काइंड ऑफ मैं क्या बोलूँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट से बाहर निकल बाहर आ रही है, तो वो ऐसा है वो। एंड स्पेशली बोलूँ अगर ब्लैक टाइम बोलूँ तो ब्लैक टाइम वो वैसा ही रहा है हमारे, एक हम एक एनक्लोज्ड में थे सारे के सारे। इट्स गुड, इसमें नेचर को फील किया है और कुछ नहीं, बस फील फ्री जुड़े रहने का, जैसे उसमें था मेरा कुछ में, सिर्फ मैं नेचर के साथ लगा हूं और रैंडम है ये। इस वाले में भी आपकी कुछ पेंटिंग सुंदर भी लग रही है। स्वप्निल जी मेरे को इसके बारे में कुछ बताइए, ये कैसे है, पूरा कैनवस खाली, खाली है, सिर्फ एक वही जगह भरी है, लेकिन वो भरी होने के बाद भी खाली है। यहाँ पे जो फील है वो ये है कि नेचर है कहीं ना कहीं बैलेंस के साथ, पर अगेन मेरे पत्ते नहीं है उसमें, और वो एक फील कराता है कि नहीं नेचर पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फैमिली टाइम है यहाँ पे और एक डॉग के साथ है, मैं खुद, मेरे पास एक पैट है तो मैं पैट लवर हूँ, तो इसमें जो मैंने फील जो महसूस किया वो ये है कि एक तो फ्रीडम और स्पेस के साथ आपका एक जुड़ाव, और दूसरा आप चाहे फैमिली टाइम दें या आप कहीं ना कहीं आप अकेले हो तो आप नेचर से जुड़ सकते हैं, वो एक फील इसमें लिए है। और इसी के आगे की एक सीरीज है मेरी, इसी में एक सुकून का पल, मतलब सैडनेस नहीं है इसके अंदर, एक सुकून है, एक खालीपन में अपने आप को अच्छा फील करना है, वो बहुत अच्छा। ये डेवलपमेंट की ही इसमें यह है कि आप फैमिली में अपने डेवलपमेंट में ही आप नेचर अपनी जगह है और आप अपने उसमें ही खुश रहना चाह रहे हैं, मतलब नेचर के साथ जब अपन जुड़ेंगे तो आपको और एक आनंद आएगा, और एक मजा आएगा, बर्ड उड़ना चाहती है, खुश रहना चाहती है, तो सिंबॉलिक है, थोड़ा सा सिंबॉलिक वे में चलता है ये, कहीं ना कहीं मेरे एटीट्यूड के साथ लिंक करती है। मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है कि डेवलपमेंट अपनी जगह पर है और नेचर के साथ जुड़ना ऐसा ही है। और जो पीछे वाली पेंटिंग है वो मेरे को लगता है कि आपके अभी तक के जितना भी ट्रेंड है पीछे पेंटिंग का उससे अलग है, उससे अलग है, सर्कल है इसमें, सर्कल नहीं है, थोड़ी कलरफुल है, कलरफुल भी है, ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, एक हल्का सा एक सन का वो, ये एक सफर है, मतलब इसको मैं सफर वाला टाइटल देता हूँ कि चलना है तो आपको चलने में पर जो पोस्चर है वो कूल है, मतलब चल रहे हैं बहुत आराम से, आपको सफर में जो जो मिलते हैं वो कुछ फिक्स है, बर्ड आपको मिलेगी, आपको रास्ता मिलेगा, रास्ते में रास्ते को रिफ्लेक्ट किया है क्योंकि आप वो सर्कल घूमता रहता है, सफर घूमता रहता है, पेड़ है और सन है, सर्कल बढ़िया। ये हैप्पीनेस का जहाज, कई मैंने एक्चुअली इसको जहाज नहीं सोचा था, पर जो विजिटर्स आए या हाँ। जिन्होंने क्रिटिक्स आए उन्होंने बोला ये जहाज है, जहाज लग रहा है, फिर मैंने उस वे से देखा, मैंने कहा ये फील दे रहा है जहाज का, तो फिर इसको मैं हैप्पीनेस का जहाज फील करता हूं कि नहीं हैप्पीनेस तो है इसके अंदर में, डेवलपमेंट के साथ आप खुश हो और नेचर के साथ आप बैलेंस कर सकते हैं, फैमिली टाइम यू आर स्पेंडिंग, बिल्कुल वो एक पॉइंट है। तो स्वप्निल ये जो मैं इतना पेंटिंग्स वहां से यहां तक देखता आ रहा हूं, इस पेंटिंग में मेरे को एक चीज पूछनी है कि शुरुआत कहां से हुई थी और आज कितना टाइम हो गया सारे काम करते हुए पूरा। मैं 2010 से मैं 2005 से एनिमेशन में हूँ, मैं पढ़ने आया था दिल्ली 2005 में, साल भर लगभग वहाँ रहा, फिर ड्यू टू सम रीज़न मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, जयपुर में मेरी 2006 से फिर मैंने एनिमेशन की पढ़ाई शुरू करी, और एनिमेशन में होने की वजह से मैं डिजिटल से ज़्यादा टच हूँ, और तब से ये था कि मैं हैंड ड्राइंग करता हूँ, हैंड पेंटिंग्स करता हूँ, मैं टेक्सचरिंग, मेरा टेक्सचर पे मेरा अच्छा कमांड है, मैं उस पर वर्क करता हूँ, पर मैं डिजिटल को क्यों छोड़ूँ, तो फिर मैंने उस काम को फोटोशॉप में क्रिएट करना शुरू किया। 2010 में मैंने पहला प्रिंट निकाला था ऑन कैनवास, उसके बाद से मैं शुरू हुआ हूँ, फिर 2010 से लेके 2023-22 है जितना मैं आप लोगों को जानता हूँ, ये तो पूरी पूरी आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, मैं इन फैमिलीज को ज़्यादा नहीं, एक साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ
और इस फैमिली के अंदर लगभग आधे ज्यादा लोग सब कलाकार हैं। एंड मैं आपको बीच में एक दिखाऊंगा जो स्केच मेरे को दिया गया है मेरे बर्थडे पे, और इनकी वाइफ ने दिया है, अभिलाषा ने। एंड वो मेरे को इतना पसंद है कि मैंने अपनी ऑफिस की टेबल पर लगा रखा है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये मून के साथ है, तो मून एक अंधेरे में एक उजाले का एहसास कराता है ऑफ कोर्स और एक ठंडा महसूस करवाता है। तो ये इसमें फैमिली और उसके साथ की फीलिंग है कि आप साथ रहें और खुश रहें। इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस मेरा चेंज है, इसके अंदर डिटेचमेंट कह सकते हैं, या थोड़ा सा आप जितना डेवलप हो रहे हैं आप अपने धरातल से ऊपर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रही नेचर, और जो पेड़ है वो अंदर जा रहे हैं पर वहाँ पे भी पोल्यूशन है, मतलब वो वहाँ पे भी सुकून से नहीं है, सुकून से नहीं। तो उस चीज़ को लेके इसमें मैंने क्रिएट किया। पक्षी है जो उड़ते हैं, जगह बदलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढ लेते हैं कि हाँ चलो यहाँ 5 मिनट के लिए सुकून है। ये इसमें था। तो ये आपका एक अपना तरीका है लोगों को बताने के लिए कि बिल्कुल रिस्पेक्ट द नेचर एंड नेचर विल रिस्पेक्ट यू, ठीक है ना। इसका थॉट प्रोसेस इजी है कि कितना भी डार्क पोर्शन हो, रात हो, कुछ भी हो, पॉइंट है कि ब्लैक टू व्हाइट, तो ब्लैक वैसे भी डार्कनेस एंड व्हाइट ब्राइटनेस, पर ब्लैक में भी हमेशा अपने को पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। तो बादल सफेद है हाँ, ये तो मेरा एटीट्यूड है तो वो रहना है। और जब आप टफ टाइम से बाहर आ गए, वहां पे जस्ट रिफ्लेक्ट किया है कि ब्लैक बादल है पर एक छोटे आयाम में, मतलब उसकी साइज अलग है, और इसमें थोड़ा बादल पक्षी भी ब्लैक है, पोल्स जो है वो कैरी ऑन वाली चीज में आता है, मतलब टेक्नोलॉजी। तो उस वक्त भी आप फ्री ना हो जाए कि वापस डार्क पोर्शन में आए, तो मतलब संभल के चले नेचर के साथ और खुद के साथ। जिद देखा और पीछे कर दो बस तो स्वप्निल जी, अब जरा इसके बारे में बताएंगे क्या मेरे को? इसके अंदर थोड़ा सा वॉश वाला है, धुलने का वाला एक फील आ रहा है। तो इसके अंदर ये कि आफ्टर जब बारिश के बाद जब नेचर आती है तो वो थोड़ी ब्लूइश होती है, थोड़ी सी डार्केश होती है, थोड़ा सा सुहावना सा मौसम होता है। तो ब्लू में कलर यूज नहीं करता, इस वजह से उसको थोड़ा सा इस तरीके से वे किया है कि आफ्टर बारिश जब बर्ड्स उड़ती है तो उनका क्या फील आता है, तो वो फील करने के लिए मैंने इसमें। कमिंग ओके। तो स्वप्निल जी, आप इस वाली पेंटिंग के बारे में बता रहे थे मेरे को। इसमें मेरा ये है कि मेरी ये बिगनिंग वाला एक पोर्शन है, जो आपने बताया और कि यहाँ से मैंने 2010। शुरुआत करा था। हाँ, 2010 से मैंने शुरुआत करी अच्छा थी प्रिंटिंग की। तो ये वो वाला प्रिंट नहीं है, ये मैंने 2008 आठ के आसपास का ये मेरा प्रिंट करवाया था। यहाँ से शुरुआत करी, स्टाइल को डेवलप करते करते फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक को और उस पे आया। ये मेरी शिप है, शिप के साथ ट्राइंगल के अंदर ऐड किया है। इसके अंदर जो फील है वो ये है कि शिप भी पानी में अप डाउन में चलती रहती है, तो आपको उसी फ्लो में अपने को रन करना है, उसी के साथ में करना है, उसी में सोच लेके इसको मैंने कंप्लीट किया। बहुत सेम बढ़िया। इसमें एक बर्ड की जगह मैं खुद को फील करता हूँ, उतनी ऊंचाई पे, उतनी शांति में, उस चीज को इसमें मैंने कंटिन्यू किया। कीप गुड गोइंग ऑन। एंड बहुत मजा आया मेरे को ये सारे आपकी एग्जीबिशन देखने में, आपने बहुत मेहनत करी है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा जब ये कभी भी एग्जीबिशन लगाएंगे तो दोस्तों मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोबारा अपने इंस्टाग्राम में या अपने फेसबुक पेज के अंदर में लिंक दूंगा और बताऊंगा इवेंट कब होने वाला है। एंड जौहर कला केंद्र, स्वप्निल टाक और शेप ऑफ लाइफ, यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस। थैंक यू, थैंक यू।